हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम फिर पांच सवाल यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव वही है कि आपकी एक रिवीजन भी करवाई जा सके, कि जो जो आपने पढ़ा है उसकी नॉलेज भी टेस्ट की जा सके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वैल्यूएशन भी किया जा सके। तो उसी के बेसिस पर शिखर टेस्ट सीरीज भी यहां पर क्रिएट की गई है विद द सोल थ्री ऑब्जेक्टिव्स, कि पहला आपका सिलेबस कवरेज यहां पर है, सेकंड करंट अफेयर्स भी यहां पर कवर हो सके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी मल्टीपल रिविजन हो सके, राइट। तो उसी के बेसिस पर टेस्ट सीरीज क्रिएट की गई है, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए, एंड अपनी प्रिलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भैया ड्रिल वही रहेगी, पहले आप सवाल देखेंगे, उसको आंसर करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप ये असेस करेंगे आपका सवाल सही था या गलत, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपके द्वारा अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया जाएगा, राइट। तो पहला सवाल एफडीआई से रिलेटेड है, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फैक्चुअल हैं बिल्कुल, बताना है कौन कौन सी करेक्ट है। तो पहले में सिंगापुर को कहा जा रहा है टॉप कंट्री फॉर एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सेकंड करें, जो आपका सेटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें अप टू 74% एफडीआई अलाउ की गई अंडर द ऑटोमेटिक रूट। आप सभी को पता होगा कि एफडीआई आपके अंडर द ऑटोमेटिक रूट रहती है, एंड देन द गवर्नमेंट रूट, के सरकारी अप्रूवल के थ्रू यहां पर पूरा काम किया जाएगा, राइट। तो दो स्टेटमेंट दी गई है, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट तो गलत है, सिंगापुर सेकंड रैंक पर है, फर्स्ट रैंक पर यहां पर हमारा मॉरिशियस है, राइट। तो पहली सेट में तो यहां पर इनकरेक्ट होगी। सेकंड, तो भैया स्पेस सेक्टर सिंस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो यहां पर इसका एफडीआई रिजीम भी थोड़ा लिबरलाइज किया गया है, जिसके तहत जितने भी आपके स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो आपके एंटिटीज हैं उनमें अप टू 74% एफडीआई अलाउ की गई अंडर द ऑटोमेटिक रूट। इससे ज्यादा अगर चाहिए होगी भैया, अप टू 100% अगर आपको लेके जाना है या 74% से अबव जाना है, तो उस केस में गवर्नमेंट रूट की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, राइट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिसके बेसिस पर बी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएस, नीदरलैंड, जापान, ये टॉप फाइव कंट्रीज आपकी रहेंगी फॉर द एफडीआई इक्विटी इनफ्लोस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से स्टेट्स में कितना आया है उसके हिसाब से रैंकिंग दी जा सके, तो वो भी आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा है किस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा स्पेस सेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा कि भैया पॉलिसी को दोबारा रिव्यू किया गया है, तो अगेन इसमें 100% तक अलाउ की गई है एफडीआई, बट अगेन इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिक रूट के लिए अप टू 74% इन केस ऑफ सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस के केस में यहां पर रखी गई है, ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर, कि वियतनाम चाहता है कि यूएस उसका स्टेटस चेंज करे, जो उसका स्टेटस है नॉन मार्केट इकोनॉमी का, उसे चेंज किया जा सके, राइट। तो ये काफी समय से न्यूज में भी देखने को मिल रहा है। तो यूएस बेसिकली डेजिग्नेट करता है किसी भी देश को एज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। तो पूछा जा रहा है कि जो चार फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, इनमें से कितने फैक्टर्स इस बेसिकली असेसमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। पहला, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, सेकंड फॉरन इन्वेस्टमेंट रिजीम, थर्ड एपीएम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, एंड फोर्थ बींग द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए, नॉन मार्केट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मार्केट इकोनॉमी कैसे कहलाएंगे कि भैया जहां पर इकोनॉमी में जो भी चीज प्रोड्यूस की जा रही है वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर है, कि भैया किसकी सप्लाई है, किसकी कितनी डिमांड है, उसी के बेसिस पर वहां पर सभी चीजें प्रोड्यूस की जा रही है। नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या रहेगा कि भैया वहां पर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो वहां पर सारे डिसीजन ले रही है कि भैया किस प्रकार से कौन सी चीज उगाई जाएगी, सॉरी कौन सी चीज प्रोड्यूस की जाएगी, और कितने रुपए में उसे आगे जाके बेचा जाएगा, कितनी करेंसी में उसे वहां पर बेचा जाएगा, कि वहां गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रही। तो उसे हम नॉन मार्केट इकोनॉमी यहां पर कहते हैं, कि मार्केट फोर्सेस यहां पर डिसाइड नहीं कर रही, यहां स्टेट डिसाइड कर रहा है कि किस प्रकार से आपकी प्रोडक्शन की जाएगी, राइट। तो उसी के बेसिस पर यहां पर यूएस ने कुछ कंट्रीज को डिजिग्नेट कर रखा है एज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी, जिसमें रशिया और चाइना भी है, ठीक है जी। तो पहला फैक्टर बिल्कुल नेसेसरी है कि भैया कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, की आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तभी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजीम किस तरीके का है, बिल्कुल ही अगर आपने वहां पर स्ट्रिक्ट रखा होगा कि नहीं भैया कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा है, स्टेट ही सब कुछ यहां पर कंट्रोल करेगी, तो अगेन दैट इज अ नेसेसरी फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, ये तो काफी क्लियर हो गया होगा कि भैया वहां पर सरकार ही डिसाइड कर रही है कि कौन सी चीज कितने रुपए में वहां पर कस्टमर या सिटीजन को बेची जाएगी। तो क्या इंडिया में अभी तक एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है? अगर किया जाता है तो कौन सी कॉमोडिटीज के लिए, ये आपका आज का होमवर्क है, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है कि उसकी ओनरशिप किसके पास है, कि यहां पर स्टेट सभी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं प्राइवेट कंपनीज भी हैं, क्योंकि हमने इंडिया के केस में देखा है कि सरकार द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सरकारी पीएसयूज ही काम कर रहे थे, क्योंकि उस प्रकार की रेगुलेशंस यहां पर फॉलो की जा रही थी कि प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन था, राइट। तो वहां जो
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है वो मोस्टली सरकार के पास ही थी। तो अगर ऐसा भी कोई और देश फॉलो कर रहा है तो भैया उसको हम नॉन मार्केट इकोनॉमी में डालते हैं एज पर जो यूएस यहाँ पर डेजिग्नेशन देता है। तो चारों के चारों फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं इस असेसमेंट में कि वेदर दैट पर्टिकुलर नेशन इज नॉन मार्केट इकोनॉमी और नॉट, राइट, जिसके बेसिस पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो वियतनाम बहुत समय से पुश कर रहा है। वियतनाम का ये कहना है कि सर हमने तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स भी यहाँ पर ला चुके हैं, राइट, जिसके बेसिस पर हम अपना जो स्टेटस है उसको चेंज करवा सकते हैं। हम चाहते हैं कि भैया हमारा स्टेटस नॉन मार्केट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाइए, क्लासिफिकेशन हो सके। बिकॉज सिंपल सी बात है, यूएस को लगेगा कि भैया कोई पर्टिकुलर देश अगर नॉन मार्केट इकोनॉमी का है तो वहां से जो भी चीजें इंपोर्ट की जाएंगी, जो भी चीजें वहां से यूएस की मार्केट में फ्लो करेंगी, उनके ऊपर हाई इंपोर्ट टैरिफ्स वगैरह इंपोज किए जाएंगे, है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटीज वहां पर इंपोज की जाएंगी। बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड चांस कि भैया वहां स्टेट ही सब कुछ कर रहा है, तो हो सकता है अपने एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भी हैवी सब्सिडीज दे रहा हो ताकि भैया मार्केट में उनकी रीच बढ़ाई जा सके, है ना। तो उस केस में एंटी डंपिंग ड्यूटीज वहां पर चार्ज की जाती है। तो वियतनाम चाहता है कि भैया इस प्रकार के जो हाई टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं उनके गुड्स पर जब वो यूएस में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो भैया उनको कम किया जा सके और उनकी क्लासिफिकेशन को यहां पर रिवाइज किया जा सके, राइट। तो वही बेसिक सी कहानी यहां पर आपको मेंशन की गई है, राइट। उसके अलावा यूएस किन किन बेसिस पर यहां पर डिजिग्नेट करता है वो फैक्टर्स यहां पर हमने मेंशन कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या पर्पस है इस प्रकार के स्टेटस ग्रांट करने का यूएस का, क्योंकि यूएस चाहता है कि भैया जो आपकी नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसका जो लेबर है वो अलाउ करता है यूएस को कि भैया इम्पोज कर सके एंटी डंपिंग ड्यूटीज, राइट, ताकि इस पर्टिकुलर देश से अगर कोई सामान आ रहा है तो उस पर इस प्रकार की हैवी ड्यूटीज इम्पोज की जा सके। ठीक है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर सामान ऐसी नॉन मार्केट इकोनॉमी से आ रहा है देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उनको हैवीली सब्सिडाइज किया गया है। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भैया बाहर के देशों के द्वारा जो सामान उनके देश में आ रहा है वो बहुत सस्ते में बिके और उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेटअप है वो वहां पर फेल कर जाए, राइट। चलिए, तो ये सिंपल सी कहानी है। डंपिंग डेफिनेशन भी यहां पर आपको दे दी गई है, ठीक है जी, प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे, इंडस्ट्रीज रिलेटेड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहले में कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल हैज मोर वेटेज देन नेचुरल गैस इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। सेकंड कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देखें तो क्रूड ऑयल और सीमेंट दोनों की ही प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है हमें यही बताता है कि भैया प्रोडक्शन में किस प्रकार के चेंजेस यहां पर आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्पेसिफिक सेक्टर्स, राइट। उसके अलावा ये जो इंडेक्स है ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इट इज पब्लिश्ड बाय द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए भैया तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, जिसके बेसिस पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं कि जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एक इंडिकेटर यहां पर क्रिएट किया गया है जो कि मेजर करता है कि किस प्रकार से जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है, राइट, उनके वॉल्यूम में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है जी, तो पब्लिश किया जाता है मंथली बाय द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो आपका मौसपी के अंतर्गत यहां पर काम करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रही है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा यहां पर। ठीक है जी, जो आपका सेपरेट इंडेक्स है ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा यहां पर रिलीज किया जाता है। ठीक है जी, तो बेस ईयर आपका यह माना जाता है और इसी इंडेक्स में से ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इनकी वेटेज 40% के अराउंड यहां पर देखने को मिलती है। सीक्वेंस आपको दे दिया गया वेटेज का, उसके बेसिस पर आप इजीली बता सकते हैं कि भैया आपकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट थी कि जी हाँ बिल्कुल आपके क्रूड ऑयल की ज्यादा वेटेज देखने को मिलती है देन द नेचुरल गैस, राइट। कोई इसमें बहुत बड़ा फैक्ट नहीं था, आई थिंक आपको इस चीज के बारे में पता भी रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें कि भाई 2023-24 में क्या चेंजेस आए हैं प्रोडक्शन में, तो अगर नंबर्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है पिछले साल से तो डेफिनेटली यहां पर हमें ये इंडिकेटर मिलता है कि आपका प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। तो सीमेंट के केस में तो यहां पर इंक्रीज है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहां पर आपका क्रूड ऑयल की बात की गई थी तो उसमें भी इंक्रीज यहां पर पाया गया है, बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज है बट डेफिनेटली यहां पर प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है। तो जिसके बेसिस पर हमारी तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। चलिए फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम। अब ये भी कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा इस चीज के बारे में। तो बेसिकली दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन कौन सी करेक्ट हैं वो आपको सिंपली यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं जो आपका इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैं, थोड़ा ध्यान देना टर्म्स के ऊपर, अगर आप ध्यान दोगे और आपको पता भी नहीं रहेगा कि भैया डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम क्या है तब भी काफी हद तक आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, राइट, कि इंडियन प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट कर सकती हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पर। सेकंड में कह रहे हैं कि ओनली इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो आपका गिफ्ट IFSC में है दे आर परमिटेड इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। तो ये दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई, थोड़ा सोचिए और इसके बारे में करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। देखिए डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम बेसिकली यहां पर निकाली गई ताकि जितनी भी हमारी पब्लिक कंपनीज हैं चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, वो जब भी अगर कैपिटल रेस करना चाहती है अपने शेयर्स बेच के
तो डेफिनेटली वो चाहेंगे ना कि भैया सिर्फ और सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट ना करें, बाहर के इन्वेस्टर्स भी यहां पर इन्वेस्ट करें। तो डिपॉजिटरी रिसीट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू तो हम देख पाते हैं कि भैया चलो बाहर की कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है बाय द मीन्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स, राइट। बट अगर हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर चाहिए, डायरेक्ट मार्केट में या एक्सचेंज पर यहां पर इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस केस में जो हमारी इंडियन पब्लिक कंपनी से चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उनके लिए डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम यहां पर निकालेगी कि भैया आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पर जाके खुद को लिस्ट कर सकते हैं। और वो कौन सी है दो इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड एनएससी की जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जो कि दोनों आपकी गिफ्ट आईएफएससी में, इनको यहां पर परमिशन दी गई है टू एक्ट एज एन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बट रिविजिटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियन प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट नहीं कर सकती, वो प्राइवेट अभी तक उन्होंने वहां पर अपने शेयर्स लिस्ट नहीं किए, सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही यहां पर अपने शेयर्स लिस्ट कर सकती है इंटरनेशनल एक्सचेंज में। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, प्राइवेट कंपनी तो भैया अपने शेयर्स कैसे यहां पर लिस्ट करेंगे, पहले तो उनको पब्लिक होना पड़ेगा, तभी जाके वो इस प्रकार का ट्रांजिशन यहां पर अचीव कर सकती है कि फिर वो अपने शेयर्स इस प्रकार से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में भी लिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, जिसके बेसिस पर अगेन बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम एक नया इनिशिएटिव यहां पर रखा गया, जिसके माध्यम से पब्लिक इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट कर सकती हैं ऑन द परमिसेबल इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। पहले इंडियन कंपनीज डीआर के माध्यम से इस प्रकार के अपने शेयर्स को बेचने की कोशिश करती थी टू द ओवरसीज इन्वेस्टर्स, ताकि वहां से पैसा ला सकें, राइट। तो करेंटली लिस्टिंग आपकी अलाउ की गई है ऑन द परमिसेबल इंटरनेशनल एक्सचेंजेस विद इन द गिफ्ट सिटी, राइट, जो आपका एक इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है, राइट, आईएनएक्स, एंड आपका जो एनएससी का इंटरनेशनल एक्सचेंज है, राइट। तो स्टेटमेंट टू उसके बेसिस पर आपकी करेक्ट है, राइट। तो इसके बेसिस पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए गए, प्लीज एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स क्या है कि हम ग्लोबल कैपिटल की भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं अपनी इंडियन पब्लिक कंपनीज के लिए, ताकि बेहतर वैल्यूएशन उनकी वहां पर लगाई जा सके, ताकि बेहतर तरीके से असेस किया जा सके कि भैया इन कंपनीज की चलो डोमेस्टिक मार्केट में तो इस प्रकार की वैल्यूएशन चल रही है, बट वहां पर कैसे, क्योंकि जितना बेहतर कैपिटल हमारे देश में बाहर से आएगा उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी भी यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। तो इंक्रीज इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन की वजह से जो आपकी कंपनीज के शेयर्स की लिक्विडिटी की आप कितना इजीली उसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो भी हम यहां पर एनहांस कर पाएंगे। तो एक सिग्निफिकेंट स्टेप यहां पर लिया गया ताकि इंडियन की जो आपकी इंडियन मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसको यहां पर ग्रो किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, एंड उस प्रकार से बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए भी एक एवेन्यू डाला जा सके, जिसके माध्यम से वो भी इंडियन कंपनीज में यहाँ इन्वेस्ट कर सके। तो यदि आपको पता है कि कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि आपके ऐसे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर खुद को लिस्ट कर चुकी हैं, तो जरा कमेंट बॉक्स में उनका भी नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल रहा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा आपने इसके बारे में, राइट। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई कि कौन सा एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि अपॉन कन्वर्जन इट डिक्रीजेस कंपनीज डेट टू इक्विटी रेशियो, चलिए। सेकंड में कह रहे हैं कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर कॉलेबल आफ्टर कन्वर्जन, एंड थर्ड में कह रहे हैं कि भैया जो आपका कन्वर्जन है ऑफ डिवेंचर्स का टू इक्विटी इज अ वे टू रिपेयर डेट विदाउट स्पेंडिंग कैश। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। देखिए कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि भैया पहले वो आपके एज अ बॉन्ड एक्ट करते हैं, माने कि एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट यहां पर एक्ट करते हैं, बट लेटर ऑन दे आर कन्वर्टेड टू इक्विटी, मतलब उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंपल सा एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं, मान लीजिए एबीसी कंपनी, उन्होंने इस प्रकार का कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल बॉन्ड यहां पर इशू किया एक्स वाई जी इन्वेस्टर को, राइट। तो एक्स वाई जी इन्वेस्टर जब उस बॉन्ड को खरीदेगा तो कुछ पैसा यहां पर पे करेगा, ये जो पैसा ये एबीसी कंपनी के ऊपर क्या लाइबिलिटी है कि भैया कल को वापस करना है ना, क्योंकि उधार लिया ना यहां पर बाय द मीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना, बॉन्ड तो भैया उधार लिया गया होगा, राइट। बट सिंस ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो उस केस में एबीसी कंपनी क्या कर सकती है कि भैया उसमें कुछ क्लॉज, मतलब सिंस वो कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो पहले से मेंशन होगा कि अगर मान लो सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि 5 साल का इसका मैच्योरिटी का पीरियड है कि 3 साल बाद ये आपका ये जो बॉन्ड है ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, कि भैया 3 साल बाद ये जो एक्स वाई जी इन्वेस्टर है इसको यहां पर शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस, मतलब प्री डिसाइडेड वैल्यूएशन पे कितने शेयर्स आपको यहां पर मिलेंगे, ये पहले से ही डिसाइडेड होगा, ये पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होंगी उस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, राइट। तो अगर वो ट्रिगर हो जाती है और उसके बेसिस पर वो आपका बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि भैया यहां पर जब एबीसी कंपनी उसको ये पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था ये वापस नहीं करना पड़ेगा, वो एक तरीके से अपने लोन की भरपाई कर रहे हैं बिना कैश स्पेंड किए, क्योंकि उन्होंने अपने वहां पर शेयर्स ट्रांसफर कर दिए बिकॉज उस प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है वो यहां पर यूज किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। पहले में अगर हम देखें तो अपॉन कन्वर्जन, जब आपका बॉन्ड से इक्विटी में कन्वर्जन होती तो उस केस में कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है अगर डेट टू इक्विटी रेशियो हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है जी, तो
अगर ऐसा कन्वर्टिबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है ना, वो आपका बॉन्ड से या डेट से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में डेट का अमाउंट यहां पर कम हो जाएगा, नए शेयर्स लिस्ट किए जाएंगे तो इक्विटी का अमाउंट यहां पर बढ़ जाएगा, तो उस केस में डेफिनेटली ये रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट क्या जो बी स्टेटमेंट है कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर कॉलेबल आफ्टर कन्वर्जन, कॉलेबल का मतलब यहां पर क्या है कि कंपनी उसे वापस खरीद सकती, तो जी नहीं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आपके जनरली कॉलेबल नहीं रहते, कि एक बार अगर आपके वो कन्वर्ट हो चुके हैं तो उस केस में फिर हम उन बॉन्ड्स को वापस से, मतलब एबीसी कंपनी वापस से उस बॉन्ड को नहीं खरीद सकती क्योंकि ऑलरेडी वो इक्विटी में कन्वर्ट हो चुकी है। इससे हम कहते हैं कि भैया आपके कॉलेबल बॉन्ड्स नहीं रहते, कुछ आपके कॉलेबल बॉन्ड्स रहते हैं कि भैया एबीसी कंपनी आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उन बॉन्ड्स को वापस से खरीद सकती है, बाय बैक कर सकती है उन बॉन्ड्स का, जैसे कि आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाय बैक किया जाता है, तो वो आपका क्यों, क्योंकि वो कॉलेबल नेचर के वहां पर रखे गए हैं कि उनको दोबारा से खरीदा जा सकता है वापस से एट अ प्रीड डिसाइडेड प्राइस, राइट, नॉट एक्जैक्टली बाय बैक में तो आपका प्राइस बाद में भी डिसाइड किया जाता है, राइट, बट कॉलेबल के केस में होगा कि पहले से डिसाइड होगा कि अगर कल को कंपनी खरीदना चाहे तो इतने प्राइस पर इन्हें वापस खरीद सकती है, राइट। चलिए, तो ये बेसिक से पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, दे आर नॉट कॉलेबल आफ्टर कन्वर्जन, एक बार कन्वर्ट हो गए तो भैया वो इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट, वो बॉन्ड रहा ही नहीं है पहली बार, राइट, तो उसके बेसिस पर बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, वही चीज आपको यहां पर बताई गई है। तो एक तरीके से जो आपका ये ऐसे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स रहते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स रहते हैं, राइट, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कंपनीज के केस में भी, कि भैया कल को उनकी कोई डेट ऑब्लिगेशन है बॉन्ड्स की, उनको वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उनको उस समय पे कैश स्पेंड ना करना पड़े प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट के दौरान। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर उनको लग रहा है कि ऐसा पर्टिकुलर कोई कंपनी जिसको वो अपना पैसा दे रहे हैं उनसे बॉन्ड उन्हें वहां पर मिल रहा है, तो वो उस कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बने और उसको इक्विटीज में यहां पर कन्वर्ट कर सके। बट अगेन, जो भी आप कैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स रहते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि कब वो ट्रिगर होगा, कब वहां पर उस पर्टिकुलर बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट की जाएगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही मेंशन होते हैं। कुछ आपके कंपलसरी होते हैं कि नहीं 5 साल का बॉन्ड है 3 साल बाद होगा ही होगा, कुछ आपके कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे होते हैं कि अच्छा हाँ अगर इस बॉन्ड अगर कंपनी की प्रोफाइल में ये चेंजेस आते हैं तो आपका ये बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिचुएशन बेस्ड वहां पर आपके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहलाते हैं, राइट। तो प्लीज गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाइलेशंस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एक तरीके से आपके लिए नोट्स ही हैं जो कि यहां पर क्रिएट किए गए, राइट। तो चलिए, जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, एंड इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।